हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे, हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग जो स्टार्ट हुआ है वो इवनिंग से हुआ है। बस अब मैं लंच की तैयारी करने के लिए जा रही थी किचन में, तो सोचा बस अब रेसिपी थोड़ी सी रिकॉर्ड भी कर लूँगी और आप लोग से शेयर भी कर लूँगी। आज मैं बना रही हूँ भिंडी गोश्त और बीन्स की भिंडी गोश्त बना रही हूँ। और जो है आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। यहाँ पे नियाना जो है मुझे बहुत ज़्यादा आज परेशान कर रही है, क्योंकि हमारा लैपटॉप है वो थोड़ा सा इसने ख़राब कर दिया। कल जो है अच्छा खासा सही चलते चलते जो है वो हो गया, टच इसका ख़राब हो गया। अब उसकी ख़राब नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है हमें यही लगा है कि इसकी ना इसने सेटिंग थोड़ी सी ख़राब कर दी है, कुछ हो गया इससे बटन वगैरह, तो कुछ ना कुछ इसने दबा दिया है जिस वजह से जो है उसका टच काम नहीं कर रहा है। बस ये मसला हुआ, अदरवाइज़ लैपटॉप तो ठीक है, बट जो है उसका टच काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हुआ। अब देखिए लेकर गए और लेकर आएंगे तो फिर बताएंगे कि क्या मसला हुआ, इसके अंदर क्या सीन है। तो खैर जी, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब की माय चैनल। आज अभी आए हैं आप लोग जो है मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइएगा, बगैर सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा प्लीज़। और जो है कमेंट एंड लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करें मुझे कि आप लोग कैसा लग रहा है, आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलनी चाहिए इंसान को और देनी भी चाहिए। तो आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो इंशाल्लाह फिर मैं आगे भी अच्छे अच्छे आप लोगों से ब्लॉग शेयर किया करूँगी। और यहाँ पर जो है मैंने भिंडी जो है धो के और इसको जो है यहाँ से बस ऊपर से काट लिया था, बस मैं इसके दो टुकड़े करूँगी और जो है इसको फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। चले बस मैं आप जो है आप लोगों से आहिस्ता आहिस्ता रेसिपी शेयर करती रहूँगी, बातें भी करती रहूँगी, मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और बहुत कुछ है ब्लॉग में दिखाने के लिए, तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। अच्छा देखिए, मैंने प्याज रख दी है ब्राउन होने के लिए, तो मैं पहले ये डाल देती हूँ मसाले जो है पीसने के लिए। मैंने 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है, ये मैं मसाला पीस के जो डालूंगी उसके शोरबे में। सालन बना रही हूँ ना मैं सही भिंडी गोश्त का, वो इसके अंदर स्पून ही नहीं है। और 2 चम्मच मैंने जीरे के लिए हैं, 2 चम्मच मैंने ये धनिया का लिया है, फ्रेश धनिया, साफ धनिया। और ये है मिक्स गरम मसाला, ये 1 चम्मच भर के मैंने ये डाल दिए, क्योंकि इसके अंदर सब है, दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्चें हैं, सब कुछ है, इलायची भी है। बस ये वाला गरम मसाला थोड़ा सा मैंने इस तरह से मिक्स ले लिया और ना वो इन सबको मैं ग्राइंड करती हूँ, ठीक है। और ग्राइंड करने के बाद मैं उसमें ऐड करूँगी, जब तक प्याज लाल हो रही है, भिंडी भी रखी थी, बस भिंडी को भी अभी मैं कट करती हूँ। अच्छा देखें, ये ब्राउन मैंने करके प्याज निकाल लिया था और ये अब ये टमाटर, अदरक, लहसुन और ये हरी मिर्चें। अच्छा हरी मिर्चें मैं कुछ जो हैं ये साबुत डालूंगी, ये वाली, क्योंकि ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा अगर मैंने अभी सारी डाल दी तो, ऊपर से मिर्ची वगैरह भी जाएंगी। और ये लाने के छोटे छोटे से हाथ अच्छा ये कुछ है ना वो जाएगी, अच्छा ये आपका टमाटो ये मांग रही है, ये भी साथ साथ खा रही है टमाटो जो है, ये भी चल रहा है, यहाँ खाना पीना रहेगा। अच्छा ये जो है ये सब मैं अभी अनियन में डाल रही हूँ ग्राइंडर में, ठीक है। ये सब मैं एक साथ डाल के इन सबको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। और जी यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, लंच की नहीं डिनर की तैयारी कर रही थी बस मैं, और यहाँ पे ये भी आ गए थे लैपटॉप लेकर, और जो है लैपटॉप अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। वरना मुझे बड़ी है ना टेंशन हो रही थी कि यार ये पत्नी कैसे सही होगा, बट ये कि अल्लाह का शुक्र है सही हो गया था। और जो है लाना को जो है स्ट्रिक्टली बोला गया है कि बस अब इसके पास भी ना भटकना नहीं, खैर भटके ही तो जाहिर सी बात है यहीं पर ही रहेगी, बच्ची कहाँ जाएगी। बट ये कि उसको ज़रा स्ट्रिक्टली बोला है कि टच नहीं करना, बहुत शौक है उसको है ना टच करने का, और उसको है ना अपनी पोए में ना चेंज करवाने का बड़ा शौक है, खुद भी ना कोशिश करती है कि मैं खुद चेंज कर लूँ, जबकि आता नहीं है इसको, छोटी है। फ्रेश अदरक लहसुन लेती हूँ और मेरे पास ग्राइंड हुआ हुआ नहीं, मैं ज़्यादा जो है यूज़ करती हूँ फ्रेश यूज़ करती हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च टमाटर मैंने सब प्याज में डाल दिया है, सबको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने अब इसमें चिकन डालूंगी और दही डालूंगी और उसके बाद जो है उसकी फ्राई करके मसाले डाल के बस फिर दही डालूंगी, ठीक है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा मैं ये ले रही हूँ थोड़ा सा दही, दही ले रही हूँ मैं, ये हाफ कप ले रही हूँ मैं, अब इसमें डाल दूंगी वाल में चिकन मसाले है तो ज़्यादा। ओह
से हो रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी। अच्छा मैंने ये इसमें जो है वो प्याज का और जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था वो सब भी डाल दिए, सारे मसाले डाल दिए हैं, जो जीरा धनिया और गरम मसाला था। बाकी ये जो है किसी भी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, आपके एक चम्मच है बस मैं ये डालूंगी और हल्दी जाएगी और सॉल्ट, थोड़ी सी मैं हल्दी डाल रही हूँ और जो है इसमें जाएगा सॉल्ट। अच्छा जी वहाँ पे जो है मसाला भून रहा है, जब मसाला भून जाएगा तो फिर उसके बाद मैं ये भिंडी ऐड कर दूंगी। जब तक भिंडी काट लेती हूँ वो मसाला भून रहा है, फिर मुझे जितना शोरबा रखना होगा उस हिसाब से मैं इसमें फिर पानी ऐड करूँगी। ठीक है, मैं ना पता है बहुत देर हो गई है मुझे। और ये देखिए ये चार मैंने हरी मिर्चें बचाई हैं ना, ये वाली ये मैं ऐसे साबुत डालूंगी क्योंकि इसमें से ना खुशबू आती है, बस इसके दो दो पीस कर लूँगी मैं ये। और है ना ये आने वाले हैं और टाइम जो है बिल्कुल जो है कम रह गया है। और ना मैंने वो निकाल लिया है आटा, बस है ना आटा निकाल लिया है, अब चपातियाँ बनाऊंगी क्योंकि इसके साथ चपाती बहुत मज़े की लगती है। मुझे भिंडी गोश्त तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, भिंडी गोश्त हो, भिंडी की भुजिया हो, मुझे सभी कुछ ही बहुत पसंद है। भिंडी बहुत अच्छी लगती है मुझे ना, बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, माशाल्लाह जो है हम लोग अच्छे शौक से खाते हैं। और भिंडी भी माशाल्लाह इतनी अच्छी ज़बरदस्त, वरना यहाँ पे कुछ भिंडी इतनी ऐसी होती है कि खाई भी नहीं जाती, सारी ख़राब होती है, अंदर से कड़क होती है, माशाल्लाह ज़बरदस्त भिंडी है, बहुत ही अच्छी, एक एक पीस अच्छा है इसका ना। अच्छा जी ये हो गया है, भिंडी सब कट हो गई है, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, मसाला जो है वो अच्छे से भून चुका था, तो भूनने के बाद मैं इसमें भिंडी ऐड कर रही हूँ। अच्छा कुछ लोगों के सालन में जो है टेस्ट आ जाती है, बट मैं जिस मेथड से बना रही हूँ ना आप लोग भी इस तरह से बनाएगा, मेरे सालन में अलहमदुल्ला कोई ना वो नहीं आती, टेस्ट वगैरह नहीं आता, बहुत अच्छी बनती है, आप बना के देखिएगा इस तरीके से। और जी हाँ, मेरी बहुत प्यारी सी कज़न की बर्थडे थी आज, तो मैंने उसको सोचा विश कर दूँ, उसको थोड़ा स्पेशल फील करवाऊँ। तो हैप्पी बर्थडे टू यू जी, हैप्पी बर्थडे, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे जो है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसको विश ज़रूर कीजिएगा, आप लोग भी उसको अच्छा फील करवाइएगा और उसको विश ज़रूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने जो है विशेस के ना मैसेजेस ज़रूर 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 दीजिएगा। खैर जी यहाँ पे जो है बुनाई हो गई थी भिंडी गोश की, और उसके बाद जो है मैंने जितना पानी रखना था इसमें शोरबा रखना था बस उसी हिसाब से मैंने पानी डाल दिया था। और उसके बाद जो है फिर मैंने इसको आधे घंटा 40 मिनट तक तकरीबन मैंने इसको ना पकाया था, और उसके बाद जो है मैं अब ये रेडी हो गया था तो इसको सर्व कर रही थी बस मैं। और आखिर में जो था मैंने कसूरी मेथी डाली थी, मैंने कसूरी मेथी दिखाना भूल गई, तो आखिर में मैंने कसूरी मेथी ज़रूर डाली थी, और आप भी डाला करें, मैं तो अपने हर सालन में डालती हूँ, बहुत ही ना अच्छा उससे खुशबू आती है, इतना अच्छा लगता है उससे खुशबू जो आती है ना मेथी डालने से, सूखी मेथी डालने से वो बहुत अच्छा उसका अरोमा लगता है मुझे, तो डाला करें आप लोग सालन वगैरह में। यहाँ पर चपातियाँ भी मैंने रेडी कर दी थी, और जो है वो खाना जो है हमारा डिनर जो है बिल्कुल रेडी हो गया था और ज़बरदस्त बना था, बहुत ही अच्छा बना था माशाल्लाह, और सब कुछ है ना, भिंडी भी अच्छी थी, और दम पे जो मैंने रखा था इसको 40-45 मिनट तक रखा था मैंने, ऑलमोस्ट ऐसे ही रखा था मैंने। खैर जी बस है ना, आप लोग जो है इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, आप लोग ट्राई करें तो, और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अच्छा जी ये देखिए अभी मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे, ये जो है देखना आप लोग ये बने हुए बिल्कुल मार्बल से, ये मार्बल की कटिंग हुई हुई है, और इसके पीछे जो है ये वो लगा हुआ है ये एलमोनियम आई थिंक एलमोनियम की चटाई लगी हुई है, और ये जो है इसकी कटिंग हुई हुई है मार्बल की, और ये उन्होंने बनाया हुआ टेबल मैट बनाया हुआ है, ये हैंडमेड टेबल मैट है, ये अपने वहाँ से लेकर आए शोरूम से फैक्ट्री से लेकर आए ये,
और ये देखें इतने प्यारे प्यारे इतने खूबसूरत लग रहे हैं इतने सारे। अब आपको मेरी जो है हर वीडियो में ऑन एंड ऑफ दिखा करेंगे। अब ये जो है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे हमारी जो है कांच की टेबल वगैरह होती है तो हम डायरेक्ट जो है पतीला वगैरह नहीं रख सकते उस पर, क्योंकि वो ब्रेक हो जाते हैं या नुकसान होता है, कांच वगैरह टूट जाता है, चटक जाते हैं। तो आप जो है इस तरह से रख सकते हैं इसको, ये टेबल जो है टेबल पर रख दें, ये टेबल मैट, और इसके ऊपर कोई पतीली वगैरह जो भी आपको रखनी है आप इसको रखें। देखिए कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन है इसके ना, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। ये हैंडमेड है सारे के सारे, इतने सारे माशाल्लाह आए। अच्छा ये जो है ना ये पीछे लगा हुआ है तो ये भी सेफ्टी है। अच्छा इसी से चिपका हुआ है ना ये मार्बल के जो पीसेस हैं ये पीछे इसी नेट से चिपके हुए, ये एलुमिनियम आई थिंक, हाँ एलुमिनियम ही है ये पीछे की जो नेट है ना ये जाली, ये देखें इतने प्यारे प्यारे से, ये देखें इतने खूबसूरत खूबसूरत है सारे मार्बल है, ये मार्बल की कितनी अच्छी सफाई से कटिंग हुई हुई है, हैंडमेड काम है ये। ये देखें कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। अब जैसे हम दस्तखान बिछाते हैं तो दस्तखान पे भी हम रख सकते हैं इसको, और ये इसका लास्ट पीस ये रहा। जैसे दस्तखान बिछा रहे हैं हम लोग तो दस्तखान पे भी हम ये ऐसे रख सकते हैं, और कांच की जैसे टेबल वगैरह है डाइनिंग टेबल है उस पर आप ये रखते हैं, फिर आपको पतीला वगैरह रखना है कोई भी जो है इसके ऊपर कोई चीज़ रखनी है गरम गरम पैन वगैरह तो आप रख सकते हैं इसको, या दस्तखान में आप बिछाएं। दस्तखान है ना वो दस्तखान के ऊपर डायरेक्ट नहीं जैसे रखना चाह रहे हैं कि कारपेट वगैरह होता है हम ऊपर चादर बिछा देते हैं फिर दस्तखान लगाते हैं, तो डायरेक्ट नहीं रख सकते, इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं ज़बरदस्त है। अब आपको दिखा करेगा मेरी वीडियो में, क्योंकि अक्सर हम जो है दो जगह पर खाना है जैसे ना सफरिंग कभी मैं कभी नीचे बैठ के हम लोग खाते हैं कभी जो है टेबल पे खाते हैं, तो अब आपको दिखा करेगा इंशाल्लाह मेरी वीडियो में। इतनी प्यारी चीज़ थी, मैंने बोला चल आपसे शेयर करूँ दिखाऊँ कितने प्यारा लग रही है हैंडमेड वर्क है ये, और ये कितने एक्सपेंसिव मिलते हैं बाज़ार में। अब ये तो एक सैम्पल बना है, अभी बाज़ार में जब बिकेगा तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा ये जब जाएगा सेल होने के लिए। खैर जी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी मैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।